मिल गया ना धोखा। तो था ही इसी लायक। क्यों उसके पीछे जान दे रहा था? क्यों उसके लिए अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार था? क्यों उसके एक स्माइल पे पूरे दुनिया छोड़ने के लिए तैयार था? क्यों उसकी हर आदत से प्यार था? क्यों क्यों क्यों? देख यार, अब तो ये सब सोच रहा होगा, गलती तो थी ही नहीं मेरी। यार तुझे पता है और तुझे लगता है कि गलती तो मेरी थी ही नहीं। क्या पता कुछ ऐसी गलती हुई हो जो तुझे पता नहीं है। क्या पता तूने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे उसका आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची हो। किसी पे ब्लेम करने से पहले खुद में झांक ले, खुद को आंक लो। अगर तुझे लगता है ना कि तुम्हारी गलती थी, यार जाओ उसको मना लो, रोक लो उसको। एक सॉरी बोलने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी गलती मान ली ना तुम्हारा रिश्ता बच जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें खुद के अंदर झांकने के बाद भी लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तो उठो यार और झांक अपने पास्ट, क्योंकि तेरी पास्ट ही ना तेरा फ्यूचर बना सकता है। ध्यान से सोच, तुमने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने दोस्त रिश्तेदार यहाँ तक अपने पसंद के कपड़े भी तुम उसके पसंद के पहनने लगे। सोच, वो तेरी छोटी सी दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी थी, और बन चुकी थी नहीं बन चुकी है। वो तेरे जिंदगी से तो चले गई, लेकिन उसकी यादें अभी भी तेरे दिलो दिमाग को चीर रहा है और चिक चिक कर कर रही है कि यार तुझे मेरी याद नहीं आ रही क्या? अभी तुम एकदम सा डिप्रेशन में हो, एकदम परेशान हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात मेरे बात को ध्यान से सुनो। जो गया ना उसको अपनी जिंदगी में वापस लेके भी तुम क्या कर लोगे? जब वो गया था ना तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के गया, तुम्हारे भावनाओं के लहास के ऊपर चढ़ के कुचल के गया था, और तुम उसी इंसान के लिए रो रहा है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। खुद सोचो यार, अगर वो तुम्हारा होता तो ऐसे तुम्हें छोड़कर चला जाता? इस हाल में लाख झगड़े हो जाएंगे, तुम्हारे पास रहता, तुम्हें संभालता और दुख सुख में तुम्हारे साथ रहता। लेकिन वो अब नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, तुम अकेले ही कोई बात नहीं। रोने का मन करता है? कोई बात नहीं यार, जाओ और दिल खोल के रो लो, लेकिन ये लास्ट होना चाहिए। अपने जिंदगी को देखो, देखो यार तुमने अपना क्या हालत बना लिया है। तुम्हारे चेहरे की वो मासूमियत वापस लाओ, वो स्माइल लाओ। तुम्हारा जो था वो प्यार नहीं था, अगर होता तो ऐसे नहीं हुआ होता। इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करो और इस जिंदगी की जंग में फिर से एक बार पलट बार करो। खाली हाथ आया था, खाली हाथ नहीं जाएगा। खुद से ये वादा करो, खुद से वादा कि अपने आप से जो तुमसे प्यार करते हैं जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे। जाओ उससे फिर प्यार करो और उसकी प्यार की कदर करो, क्योंकि बड़ी नसीब वालों को ही मिलता है वो सब यार। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, भाई भाई का प्यार, दोस्त दोस्त का प्यार, और बोल दो उससे घर में गया तू और तेरा प्यार। चलता हूँ मैडम, विश यू ऑल द बेस्ट। अब तो एक नया इंसान बनेगा, तुझे आदमी नहीं होना चाहिए कि तेरी जिंदगी में वो थी भी नहीं। काम, कोई काम जो तेरी दिल की बहुत करीब हो, जिसे करने के लिए तेरा दिल मोटिवेट होता हो, बड़ा सोच और दिखा दे दुनिया को कि तू कोने में बैठ कर रोने वाला देवदास नहीं है, बल्कि वो योद्धा है जो हर परिस्थिति में वीरों की तरह मैदान में डटे रहता है। तुम कुछ भी कर सकते हो यार, और अगर तुम कुछ भी कर सकते हो ना तो अपने आप को इस छोटी सी बंधन में क्यों बांध के रखा है? अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हो। जो हो गया ना इसका तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो होगा ना उसे सही अंजाम दो। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो यार, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा। और मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करो जो तुमने कभी सोचा नहीं था, जो कभी तुमने सोचा नहीं। इस वीडियो को देखकर अगर दिल में थोड़ी भी आग लगी हो ना, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हर रोज मिल जाए। चलता हूँ, बाय बाय, ओके, जय हिंद।